चलिए आज आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के दो सबसे महंगे तोते, जिनको खरीदने के लिए आपको आईफोन 15 प्रो तक की रुपए खर्च करने होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि सामने दिख रहा तोता मकाऊ है, जो कि सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसकी कीमत 1,75,000 है, यानी आईफोन 15 प्रो से भी ज्यादा कीमत इसकी है। यही नहीं, यह एग्जॉटिक ब्रीड है, ऐसे में आप इसे आसानी से अपने घर में पाल सकते हैं। यह जल्दी ही आपकी बोली समझ लेता है। सामने आपको जो दिख रहे हैं, इन्हें अफ्रीकन ग्रे तोते कहते हैं। ये भी एग्जॉटिक ब्रीड है और खास बात यह है कि इनकी कीमत मात्र 55,000 है, लेकिन सबसे नकलची तोते यही कहलाते हैं, यानी आपकी हर एक बोली को ये तुरंत सीख लेते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे महंगा तोता है, जिसे कहते हैं मीडियम सल्फर कॉकटू। इसकी कीमत 1,50,000 रुपए है, यानी 1,50,000 रुपए है। क्या आपने कभी उड़ने वाली गिलहरी देखी है? अगर नहीं तो इसे शुगर ग्लाइडर कहते हैं। यह भी लखनऊ के पहले पक्षी शोरूम जूजो पेट गैलरी में मौजूद है। जी हाँ, आपको बता दें, ये सभी पक्षी और उड़ने वाली गिलहरी आपको लखनऊ शहर में खुल चुके पहले पक्षी शोरूम जूजो पेट गैलरी में मिल जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में खुल चुका है। यहाँ पर आप कभी भी सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जा सकते हैं और अपने मनपसंद महंगे सस्ते तोतों को खरीद भी सकते हैं। खास बात यह है कि ये सभी तोते एग्जॉटिक ब्रीड के होने की वजह से आपके परिवार में जल्दी घुल मिल जाएंगे और आपके साथ बहुत जल्द ही बातचीत भी करने लग जाएंगे। क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दावर है। हम ये बताएं, इसकी शुरुआत कब हुई, कितनी पुरानी दुकान है ये? 2019 में हमने जो है इसको ओपन किया था, और ये मेरी हॉबी थी, एग्जॉटिक बर्ड्स कीपिंग मेरी हॉबी थी, उसी को मैंने कंटिन्यू करा और इतनी ज़्यादा हॉबी मेरे ऊपर हावी हो गई कि मैंने इसको प्रोफेशनली इसको काम को स्टार्ट कर दिया। क्योंकि क्या होता था, लोगों को वैसे शौक होता है, लेकिन कोई गाइड करने वाला उनको नहीं मिलता है। तो हमने क्या सोचा कि हम हॉबी को प्रमोट करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, इनको रखने के तरीके लोगों को नहीं मालूम होते हैं, तो क्या हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे वेदर में आप रखिए, क्या खाने को दिए, कैसे आप इनकी ब्रीडिंग करा सकते हैं और कैसे केयर करना इनकी, कैसे इनके मल्टीविटामिन्स और जो और कैल्शियम वगैरह की जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें, और किस केज में और कितनी बड़ा इंक्लोजर देना है किसको, सब पूरा गाइडेंस के साथ हम लोग इसको देते हैं। सर, कितने प्रकार के तोते आपके पास हैं? नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत तरह के तोते हैं और हर पॉसिबल नहीं होता है कि सारे एक टाइम पे आपको मिल पाएँ। जैसे अभी ये है, कभी रेड वाला आपको देखने को मिलेगा, कभी ब्लू वाला, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अवेलेबल रहते हैं। काफ़ी मतलब वैरायटी रहती है, आपने देखा ही होगा, कवर किया है तो काफ़ी वैरायटी रहती है। और कीमत बता दीजिए, कहाँ से शुरू होती है? कीमत 400 से होती है हमारे पास, बजी से और कॉकटील से लोग स्टार्ट करते हैं, उसकी कीमत 400, 2000, 1500 से स्टार्ट होती है, फिर वो काफ़ी आगे तक चली जाती है। आपके पास कुछ बर्ड्स भी हमने देखे, उनके नाम बता दीजिए क्या है? जैसे ये है, ये ब्लू गोल्ड मकाऊ है, इसकी एज 4 मंथ है और ये अवेलेबल है, ये 175 में है, 1,75,000 में। इसके अलावा काफ़ी बर्ड्स अवेलेबल है, कलेक्टस है, ग्रेज मिल जाएंगे आपको, अमेजोन्स मिल जाएंगे। जी जी, जाना चाहेंगे, ये सभी तरह के माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं? हाँ, सभी तरह के माहौल में, क्या जैसे क्या होता है, सब सारी बर्ड्स इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिफरेंट है। तो जैसे अब अफ्रीकन ग्रेज की बात करें तो उनको थोड़ा सा गर्मी में ज़्यादा रहने का, उनका जो वेदर होता है अफ्रीका का वो गर्म होता है, तो यहाँ पे उसको गर्मी में आप रखते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, जाड़े में होती तो आपको थोड़ा सा हीटर देना होता है और बल्ब बल्ब लगा के उसको मेंटेन करना पड़ता है ज़्यादा ठंडक में। और सर, ये लोग खाते क्या हैं? ये तो बहुत सी वैरायटी खाते हैं, सारी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, सारे फ्रूट्स इनको जो है दिए जाते हैं, फ्रेश फ्रूट देना चाहिए इनको, और सीड मिक्स इनका आता है जिसमें बहुत सारी तरह की सीड्स मिक्स होती हैं, बैलेंस डाइट होती है जिसमें कोई फैट काटता है तो कोई फैट बढ़ाता है, कोई दूसरा कुछ अलग मिनरल्स विटामिंस किसी में, सब में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो बैलेंस डाइट देनी चाहिए इनको। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।